एसआरए प्रोजेक्ट को लेकर विवाद, स्थानीय जनता में नाराजगी, सुविधाएं ना मिलने से गुस्सा, बिल्डर दे रहे हैं सिर्फ सफाई। मुंबई के कांदिवली इलाके की रानीवाड़ी में एक एसआरए प्रोजेक्ट इन दिनों चर्चा में है। यहां पर बिल्डर ने लोगों से उनके घर लेकर उन्हें बिल्डिंग में घर तो दे दिया, लेकिन स्थानीय लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें एक 22 माले के टावर में शिफ्ट तो कर दिया गया है, लेकिन प्राथमिक सुविधाओं के नाम पर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। लोगों का आरोप है कि बिल्डिंग की लिफ्ट अक्सर बंद रहती है, जिससे उन्हें आने जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्डिंग में लीकेज की समस्या भी है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी बिल्डिंग को बने सिर्फ 6 महीने भी नहीं हुए हैं और अभी से दीवारों में क्रैक जैसी समस्या खड़ी हो गई है। हमारे घर में बहुत ही समस्या है, लीकेज होता है, प्लस दीवार की पपड़ी निकल रही है। अभी हम लोग को यहाँ आके 6 महीना भी नहीं हुआ, उसके पहले दीवार की सीमेंट वगैरह सब निकल रहे हैं। बारिश के टाइम तो इतना लीकेज होता है कि ये दीवारों से पानी आता है। ये 22 महीने की जो बिल्डिंग है वो तो बिल्कुल मतलब काम भी अच्छा नहीं है। अभी से वो सीलिंग वर्क टपकता है, संडा सा एकदम छोटा है, एक वो बैठने को होता नहीं, और वापस से लिफ्ट भी अच्छा नहीं है। दो चार तो लिफ्ट चाहिए, इतने तो इतना तो होता नहीं है ऐसा। और दो दो माले के जो है हमारे घर है, हम 1+1 हो तो हमको तो ना बोल रहे, पहले तो किया उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया और अभी बोल रहे कि नहीं मिलेगा करके। देखो ये बिल्डिंग में सब पानी भी गिरता है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं मांगता है, और हम लोग को रसोड़ा अलग मांगता है, और जो जो उसमें ये रसोड़ा सब बहुत छोटा छोटा किया है, मटका रखने का कोई सुविधा अच्छा से नहीं है, ये सब हमको बराबर मांगता है, और 22 माले का नहीं मांगता, हम लोग को 7-7 माले का मांगता है। हमारे साथ एक बार मीटिंग होना मांगता है, फिर हमारा जो प्रॉब्लम होएगा उनको बताएंगे, उनमें से वो क्या कहेंगे बाद में हम लोग निर्णय लेंगे कि हम लोग को पसंद है कि नहीं है आगे जाने के लिए। 22 माले का बिल्डिंग नहीं चाहिए हम लोगों को, उसमें लिफ्ट का भी प्रॉब्लम है, किचन और हॉल दोनों अटैच है, हम लोग को अलग अलग चाहिए। और हम लोग का कभी मीटिंग ही नहीं है बिल्डर के साथ, एक बार खाली हम लोग का एग्रीमेंट हो, बिल्डर का मीटिंग ही नहीं है सोसाइटी का और बिल्डिंग का, ऐसा एक बार मीटिंग लेंगे कुछ बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे ना। हमारे अभी सब दीवार में से मट्टी निकल रहा है और गीजर लगाया उधर से सब पानी निकल रहा है, यही सब परेशानी है। ये हम लोग 1 साल से इसमें रह रहे हैं, सारे के सारे रहवासियों को कुछ ना कुछ घर में हर एक फ्लैट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है सभी लोग को, प्लस लिफ्ट का जो काम हुआ है जब से रहने आए हैं तब से लेके आज तक इसका लिफ्ट किसी एक दिन प्रॉपर नहीं चला है। मीन्स रोज कम इसमें कम बिगड़ा हुआ रहता है, रोज कंप्लेंट रहता है, रोज 2-4 लोग 10 लोग फंस जाते हैं। 2-3 बार तो फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था इसमें लोग फंसे हुए थे, तो और फिर भी यहाँ पर कुछ उसको ठीक दुरुस्त कभी नहीं किया गया, घटिया का क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया गया है, लीकेज वगैरह हो रहा है, स्लैब से पानी आता है, बरसात के मौसम में हर फ्लोर पे पानी जमा हो जाता है एक साइड से, और स्लैब से लीकेज है नीचे पानी का। अच्छा। लोगों के नीचे वाले लोगों का सर ऊपर वालों को कंप्लेन आता है कि भाई आप लोग काम के कंप्लेन करो, हमको पानी गिर रहा है नीचे अंदर, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बघा ये लिफ्ट ये लोग प्रॉब्लम अपने सांगता था ये लिफ्ट प्रॉब्लम है बिल आता, ये माणसं 2 माणसं याच्यामध्ये राहायला आले, लिफ्ट 2 आहे, माणसाने 2-2, 3-3 कपाटे टाकून आतून नेले, त्याच्यामुळे त्या लिपीवरती परिणाम झाला। ते लोक बनवतात, नाही बनवत असं नाही, बिघडले का लगेच करतात, 2-3 टाईम माणसं अडकले पण तेही काढले गेलेले आहेत। आणि पाणी तुम्ही ये लोक बोलतात पाणी गळते हे करतात, पण ते त्या लोक लक्ष देतात आणि बनवून द्या अख्खा, तुम्ही इतना मी बोलण्यापेक्षा तुम्ही जो डाऊन बघणार ना, तुम्ही बघणार की सरळ खोदून बनवायला लागले आणि ना ऐकत अशी वार्ता खोटी आहे, ऐकतात ना ऐकत अशी वार्ता नाही आहे। सब बिल्डिंग में नीचे से भी पानी आता है अंदर बिल्डिंग में, और क्या क्या दिक्कत है यहाँ पर, लाइट का वो सब बटन है खराब है सब, और नल का भी अंदर का लीकेज है सब, नल भी सब डुप्लीकेट है, स्टील बोल के डाले हैं, पॉलिश मारा हुआ है, कुछ भी असली नहीं है, और बाथरूम भी ऐसे बनाया ना कि वो रोज हम लोग को पंप मार के साफ करना पड़ता है, पानी तो जाता नहीं है, और बोलने आएंगे तो सब हाथ ऊपर कर देते हैं, वो बोलता है उसको बोलो, वो बोलता है उसको बोलो, तो बोलेंगे किसको, और मेंटेनेंस तो हम लोग का कुछ भी कम नहीं होता है, नहीं कचरे की साफ सफाई होती है, नहीं सीढ़ी की होती है, नहीं कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई भी फैसिलिटी नहीं है हम लोग को, और लिफ्ट हमेशा बंद ही रहती है। 50 साल से रह रहे हैं आप, पत्र किधर से लाएगा, 50,000 किधर से लाएगा, 40,000 किधर से लाएगा, हम झोपड़े में अच्छा है, अगर अच्छा कोई सोई किया तो ही करने का है, नहीं तो किसी को नहीं करने का है, किसी को नहीं करने का है। इसका 40-50 हज़ार मांगा जा रहा है, वो आप पत्र करेगा उसका पैसा भर के फिर बराबर पात्र कर देगा, तो वो पैसा लाने का किधर से, आज हम लोग 50-60 साल से रह रहे हैं, ये हिरानीवाड़ी में 50 साल से रह रहे हैं, तो वो 50 साल का उसका कोई सबूत है, इतना सबूत रहे कि आप पात्र कर दिया तो फिर क्या करेंगे, पैसा भर के ही करना पड़ेगा ना हम लोग को। देखो 15 माले पे रहते हैं, लिफ्ट का तो रोज ही त्रास है, वो मैडम बोली एकदम सच्ची बात है, 15 दिन लगातार बंद थी तो
एक लीप चालू था तो हमको एक दिन घुस आया कि ये भी बंद करवा दे, तो सब बार निकले एक मत रखे करके, एक मत नहीं रखा पहले से तभी सभी फायदा लिया करके। और गवर्नमेंट ने ऐसा ही परमिशन दिया 22 मार्च में, हम क्या पब्लिक को मारने के लिए परमिशन दिया है, और बोलता है हमको जगह के लिए जगह दिया, तो जगह हमारा सोने का कटका जैसा हमने दिया है। हमारे पास कौन सी सुविधा नहीं थी, हमारे पास लाइट थी, पानी था, एक हंगने की जगह दी, तो इतना त्रास रोज चढ़ने का उतरने का। मैं भी विधवा भाई हूँ, मेरा 4 बच्चा है, कमा के मेरा पेट पालती हूँ, तो रोज 2 बार शक्कर काटेगा, शाम सवेरे दोनों बार मेरे को जाना आना पड़ता है, तो सड़के उतर के हम लोग को जाने का। तो वो लोग को इतना समझना चाहिए ना कि लोग को फैसिलिटी दी तो क्यों बंद रखने का, वो किसी का हीरा दे हमको नहीं मालूम। अभी बिल्डर ने कहने से हो रही है कि पब्लिक ने कहने से हो रही है, तो ये साधारण पब्लिक कमा के खा रही है, उसकी रक्षण करनी चाहिए। ये लोग को आगे बढ़ के हमने ने झुपड़ा तोड़ने का हक दिया, तो ये लोग ऐसा करेगा तो ऐसा नहीं होएगा करके ये लोग का थोड़ा विचार अच्छा रखे कि ये लोग को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। भाई उसने जगह दिया, जगह की बदली में जगह दिया हमने, कोई मेहरबानी तो नहीं किया, तो हमारा सुविधा जो दिए लाए है वो क्यों बंद कर रहा है, वो क्यों टाल रहा है। भाई तुमको खिस्से में पैसा मिल रहा है, तुम्हारा सोच रहे, पर 4 आदमी दूसरा मर रहे हैं उनके बारे में नहीं सोच रहा है। भैया हम लोग 20 मेरे को 20 माले पे मिला है रूम, और 20 माले पे मेरा खुद का 2 घुटने का पैर का ऑपरेशन हुआ है। अभी लिप बार बार ऐसा बंद होती है मेरे में, ये दोनों घुटने के ऑपरेशन की वजह से ना मैं नीचे चढ़ पाती हूँ दादर की ना उतर पाती हूँ। अभी ऐसी हालत में 15-15, 20-20 दिन लिप बंद रहता है, एक लिप चालू रहता है, उसमें हम लोग कैसा एडजस्ट करेगा ये बोलो। कितना ये अगर मेरे को ये तकलीफ है, इसमें कितने बेचारे बूढ़े लोग भी है, जो एक दिन एक औरत थी जो उनको झूला उल्टी हो गया था और बेचारी चल नहीं पा रही थी, लेकिन लिफ्ट बंद की होने की वजह से और नहीं उतर पा रही थी, तो भी बेचारी कैसे कैसे करके दवाखाने नीचे उतरी है, तो ऐसे कैसा चलेगा भैया। बिल्डर डेवलपर को लेके इस टावर के अंदर सिवाय परेशानी के कुछ नहीं है। 2005 में एग्रीमेंट करारनामा किया था, उस वक्त सब पब्लिकों को आश्वासन दिया था कि आपको अच्छा मकान, आपको अच्छा घर दिया जाएगा, ऐसा इसमें कुछ देखने को नहीं मिला है। इसमें सिवाय सोसाइटी के मेंबर जो मेंबर है और बिल्डर है, इनकी मिली भगत से एसआरए के बड़े बड़े ऑफिसरों को पैसा दिया गया, और जिनका एक था उनको 2 दिया गया, 2 था उनको 5 दिया गया, 5 था उनको 1 दिया गया। मेरा तो खुद का 2 होते हुए भी बिल्डर ने मेरे को 2 टाइम चेक दिया, उसके बाद जब डिक्लेयर होने का टाइम आया तो बोला तुम्हारा कुछ भी नहीं है। अब मैं गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाला कहाँ जाऊँ। एग्जैक्टली स्टार्ट टू एंड बोलूँगा ना, यहाँ पे एक स्कैम होता है एक तरह का, टू बी फ्रैंक। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सबको पॉइंट्स का मिले थे कि आपका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है नॉर्मली स्ट्रक्चर, जैसे कि घर आपको बताओगे कि आपको स्टार्ट में हॉल है, फिर किचन है, जो भी वॉट एवर है। यहाँ पर सबसे बड़ा स्कैम हम लोग के हिसाब से क्या हुआ है और लोगों ने किया है कि 10-20 लेडीज़ लोगों ने जाके यहाँ पे ऐसा कंप्लेन किया कि हम लोगों को स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए बोला था। वी हैव अ पॉइंट फॉर दैट। इस जब भी हम लोग को यहाँ पे सेटअप करके दिया था ये बिल्डिंग लास्ट ईयर, तब से लेके अभी तक तकरीबन 1 साल के ऊपर हो चुका है। एग्जैक्टली देखा जाए तो 1 साल 2 महीना हो गया चावी दे के रहने को, तब से लेके आज तक सब लोग को एक एक प्रॉब्लम रहेगा। अगर आपने किसके भी घर में जाके विजिट करोगे ना, सबसे पहला चीज़ घर का आपको एंट्रेंस या तो कोई ना कोई पार्ट टूटा फूटा रहेगा। सेकंड आपको सबसे बड़ा मेन मुद्दा यहाँ पर चलने जाने के लिए, अभी जाके यहाँ के जितने भी आपको लग रहे हैं थोड़े बहुत काम हुए हैं अभी रिसेंटली, ये जो अभी इसके पहले आपको हमारे भाई ने बोला था वो सब कुछ फैक्ट है। लोगों के घर अभी भी क्रैक पे भरे हुए हैं, घर में अभी भी पानी का इशू है, किसके घर में पानी गिरता रहता है, पाइपलाइंस देखोगे अगर आप, जैसे कि पानी नहीं आएगा किसी को। एक नॉर्मली हम लोगों को सबसे पहला बयान दिया गया था आपको 24/7 पानी मिलेगा, द बिगेस्ट पॉइंट जो सबको सबसे बड़ा यूजफुल नीड है ना, वो फैसिलिटी बरोबर है हम लोगों के लिए। सेकेंड पॉइंट दिया गया था कि आपको यहाँ पे ऐसा रहेगा कि जो आपको हम लोगों का एग्रीमेंट है वो मेरे पास अभी फिलहाल नहीं है, हम लोगों का स्ट्रक्चर था 269, फर्स्ट हॉल किचन, अपोजिट में बाथरूम जो भी वॉशरूम रहेगा, फिर एक हॉल होगा, एक बेडरूम होगा सॉरी। हम लोगों ने मोस्ट ऑफ लोगों ने वो देख के साइन किया था सिग्नेचर कि भाई तुमको ये एक्चुअल स्ट्रक्चर मिलेगा, हमको किसी को नहीं मिला। और हमारे पास जब हम लोग यहाँ पर रहने आ रहे हैं, रहने भी नहीं समझो, हम लोग जब देखने भी आ रहे हैं तो हम लोगों को बोला गया था कि आपके यहाँ से 10-20 लेडीज़ गई थी, उन्होंने रिक्वेस्ट और एक अर्जी डाली है कि हमको ऐसा घर नहीं चाहिए, संडास के सामने हमको किचन नहीं चाहिए, बल्कि ऐसा कुछ था कि नहीं, हमको किसी ने प्रूफ नहीं दिया। क्योंकि जब हमको एग्रीमेंट बनाया था तो लोगों ने आके हमको बोला था ये आपका स्ट्रक्चर है, तो एक सपना लेके इंसान बैठ जाता कि भाई हमको ऐसा घर मिलेगा। 2 फैमिली यहाँ पे सब स्लम्स हैं, कोई डायरेक्ट हीरानंदानी या कोई राइजा से तो आया नहीं, हम लोग का उम्मीद थी क्या कि हमको ऐसा घर मिलेगा 2 फैमिली आराम से सेटल हो सकती है, लेकिन यहाँ पे क्या मिला हमको, नहीं, हमको डायरेक्टली जाओगे वैसे किचन मिला, हमको बोला भी नहीं गया था, ऐसा कोई एग्रीमेंट भी इशू नहीं हुआ कि आपको स्टार्ट में किचन फिर साथ में हॉल मिलेगा। अगर आप देखोगे ना एक्चुअली शायद तक तो ये घर एक्चुअली 1 RK, इट इज़ नॉट 1 BHK। 1 BHK तो हम लोगों को एक उम्मीद था कि जो दिखाया था स्ट्रक्चर
ये आपका बालकनी रहेगा, ये रहेगा, लेकिन हमको वैसा कुछ नहीं मिला। हालांकि विकासक और बिल्डर हरीश छेड़ा का दावा है कि उन्होंने अच्छी गुणवत्ता से काम किया है और लोगों को शिफ्ट किया है, और अब उसे मेंटेन करने की जिम्मेदारी सिर्फ सोसाइटी की है। देखिए, मैंने SRA से प्लान पास करा के बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम पूरा किया, उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लिया, और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लिफ्ट का PWD से कम्प्लीशन सर्टिफिकेट लिया, और सब करके और SRA के इंजीनियर्स को चेक करा के बिल्डिंग सोसाइटी को हैंडओवर की, और हैंडओवर करने के बाद में वो लोग उसको मेंटेन करना चाहिए, उनको कहीं प्रॉब्लम होगी तो मुझे आकर बताना चाहिए। मेरे हिसाब से जहाँ पर भी वो आके मुझे बताते हैं तो मैं उनकी कंप्लेंट सुनता हूँ और ठीक करता हूँ। लिफ्ट को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पर, वहाँ के और कहीं बाजू के पट्टे के कुछ लोग जो सेकंड फेज में हम डेवलप करने जा रहे हैं वो लोग इधर आकर और लिफ्ट को टेम्परिंग करते हैं, और लिफ्ट में पेशाब करने तक के हमारे पास में इंस्टेंसेस अवेलेबल है। अच्छी कंपनी की हमने लिफ्ट लगाई है, कोने कंपनी की, उसको कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस में दिया है, फिर भी अगर लोग उसको अच्छे से उपयोग नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो, तो जैसा उपयोग करेंगे वैसी चलेगी। साफ़ सफाई की जवाबदारी तो वहाँ के रहने वाले लोगों के ऊपर ही है, एक बार सोसाइटी बन गई और अंदर अगर गंदगी होगी तो उनको स्वीपर रख के उसको सफाई करानी चाहिए। पानी का जहाँ तक प्रॉब्लम, लीकेज का जो प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम कहीं पर ऐसा नहीं है, पर बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर लॉफ्ट टैंक लगाए, लॉफ्ट टैंक लगाते समय इंटरनल चेंजेस किए, और उसको अगर वहाँ से पानी लीक होता है तो नीचे जाएगा, ऊपर से नीचे जाएगा, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो कहीं कहीं क्रिएटेड प्रॉब्लम है, कहीं अगर नेचुरल है तो हम अटेंड भी करते हैं। क्रैक्स की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो ये कहीं पे भी कोई RCC में क्रैक नहीं आए, परंतु वॉल में कहीं पे क्रैक अनइवन सेटलमेंट के कारण हर जगह होते हैं। आपको अगर मालूम होगा तो पहले लोग बिल्डिंगों में 2-3 साल तक चूना लगा के रखते थे, और चूना में क्या होता था, वो जो हेयर लाइन क्रैक है वो दिखते नहीं थे। जब 2-3 साल में बिल्डिंग का परमानेंट सेटलमेंट हो जाता है उसके बाद लोग घर में पेंट कराते थे। अभी घर अच्छा लगना चाहिए इसलिए हम लोग पहले से ही अच्छा पेंट POP सब करके देते हैं, और उसमें ये माइनर क्रैक दिखेंगे पर उससे कोई बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा, ये मेरी जवाबदारी है। स्थानीय लोग प्रोजेक्ट में धांधली और मतभेद का भी आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि लोगों को फ्लैट अलॉट करते समय सभी नियमों का पालन नहीं किया गया है और कुछ गिने चुने लोगों को लाभ पहुंचाया गया है, जिसका खामियाजा सही और पात्र लोगों को उठाना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने प्रशासन से भी की है। हमारी सोसाइटी जो बिल्डर है वो कार्य के हिसाब से हमारा जो रूल्स है वो रूल पास नहीं हो रहा है, और वो क्या करता है, यहाँ पे जो सिस्टम था जो 1+1 था, उनको बहुत जन को उसने 1+1+ का रूम दिया हुआ है, और जिसके समझो सोसाइटी में मेंबर है जिसका रूम भी नहीं था उनको भी उन्होंने रूम दिया हुआ है, और अभी हमारा प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके अंदर वो हमको 1+1 को ना बोल रहा है प्लस, और कितने जन के ऐसे रूम है उसने अपात्र ठहराया है, उसके पास सोसाइटी के मेंबर लोग है कि उसके पास 40-40 हज़ार रुपये मांग रहे, वो किस तरह के मांग रहे हो हमको नहीं मालूम। इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ कि हमारा बिल्डर जो भी है उन्होंने नकुल मेहता जो है उनको बोलना चाहिए कि बाबा तुम एक बार मीटिंग लो, हमारे कार्यकर्ताओं को जो बात करना है, हमारे मेंबर है, रहवासी है, उनके सामने बैठ के बातें करें, उसके बाद में आगे का प्रोजेक्ट चालू करें। आता मैं दर महीनेला मेंटेनेंस भरते 1250 रुपये, इथे झाडूवाली येत नाही, कचरा काय आम्हाला रोज स्वतःहून कचरा घेऊन जावं लागते, कामाला जायचं की 2-2 वाजेपर्यंत इथं असा कचरा पडला राहते, मच्छर लागतात, हाँ रोज इतना हमारा स्वतःहून कचरा घून जा रखती है, तो मेंटेनेंस भरूँ का फायदा है। बिल्डर को लेके तो बहुत समस्या है। 2005 से हमारे इधर जो विकासक आया था स्टार्टिंग में, तो यहाँ की जो जूनी सोसाइटी थी उसने पब्लिक की कोई मीटिंग नहीं ली, और ऐसे ही उन्होंने सोसाइटी बनाया है, और उसका NHA2 ला के ये बिल्डिंग जब 22 माले का बनाया, 7 माले का 22 माले का, तो बिल्डिंग का आज तक कोई पब्लिक का इन लोगों ने मीटिंग लिया नहीं कभी, और GR कोई पास नहीं किया, और 22 माले का बिल्डिंग बनाया है तभी आर्किटेक्ट भी कोई किसी को मालूम नहीं है, और ऐसी बिल्डिंग बनाई है कि आदमी मर गया तो उसको निकालने के लिए 22 माले से चल के लाने गिरता है, इस तरह की बिल्डिंग की हालत है। और पहले माले पर आप देखेंगे सब कीड़े सब तैयार हो गए, ऊपर संडास का पानी भी आ रहा है, और घर में संडास ऐसा बनाया है कि पब्लिक को ना बाहर से दरवाज़ा लगा कि अपना खुद के खर्चे से दरवाज़ा बाहर से करेगा तो अंदर जा सकता है, इस प्रकार की बिल्डिंग ये बिल्डर ने बनाई है, उसमें सब सोसाइटी का भ्रष्टाचार है,
सोसाइटी मेंबर के दो दो रूम इसमें पास हो गए, इसके लिए पब्लिक को बिड आउट पूछे हुए हैं। आज तक कोई भी पेपर पे इन सोसाइटी ने सही किया है और ना कोई जीआर पास किया है, उसके अगेंस्ट में मैं एसआरए में अभी कंप्लेंट कर रहा हूँ और कंप्लेंट करते हुए सोसाइटी के ऊपर एक्शन लेने के लिए एसआरए ने इधर वसंत शिंदे करके एक अधिकारी है उनको बिठाया है। यहाँ पर ऐसी दिक्कतें है कि जहाँ पे बावड़ी थी वहाँ पे कुआ था, वहाँ पे रूम बनाया गया है, कुएं के ऊपर रूम बनाया गया है, वो रूम पास किया गया है, उनका रिकॉर्ड दिखाया गया है 95 का और रूम बनाया है 2009 में और 95 का रिकॉर्ड बता के इन्होंने पास रूम पास किया है। और जो 90 साल से या 110 साल से यहाँ पे रह रहे उनका अपात्र किया गया। बिल्डर को और सोसाइटी को लेकर ये समस्या है कि सोसाइटी वालों ने अपनी बिल्डिंग पहला बना ली, सात माले में वो लोग शिफ्ट हो गए पूरे, उनका इस जगह पे एक झोपड़ा भी नहीं है और उस सात माले के अंदर उनके यहाँ पानी लिफ्ट सब बरोबर है, उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। और ये 22 माले की जो बना है इसके अंदर दो दो चार चार दिन में लिफ्ट बंद हो जाती है, संडास बाथरूम छोटा किया हुआ है, सब मतलब बहुत सी इधर दिक्कत है। प्लस अभी जो एरिया का अभी जो कर रहे हैं तो सोसाइटी के टच में जो लोग हैं और सोसाइटी के जो सदस्य यानी रिलेटिव जो भी है उनके सबके घर जो हम लोगों के पीछे आए हुए हैं उनके एक एक दो दो चार चार घर उन पास हुए हैं। और जो जूने लोग हैं जो बरसों से रह रहे उनके सब अपात्र कर दिए या अनिर्णित कर दिए। अभी जो ये विकास काम हुआ है एसआरए का, ये बिल्डर ने ना सोसाइटी से मिलके धोखाधड़ी करके विकास काम किया है, क्योंकि जो इसका प्रोजेक्ट पे जो नक्शा था उसकी बिल्डिंग नहीं बैठ रही थी, उसने सोसाइटी से मिलके टेनेंट रहते तो उनसे नहीं बातचीत की यार, सोसाइटी से मिलके पैसा देके उसने बिल्डिंग खड़ा की। आज हमारी ऐसी बिल्डिंग बनाई है, उनका सेल टावर कैसे खड़ा हो गया प्रोजेक्ट में, हमारी बिल्डिंग क्यों नहीं खड़ी हुई, कि उनको क्या है ये सब सोसाइटी से भट्टाचार मिलके। और इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है, हम उनको जाके कंप्लेंट देते हैं हमारे घर में लीकेज है पानी का, तो बोलते ठीक है हम कर देंगे। हमारे घर में आज 4 महीने से प्रॉब्लम है, आज तक हमारे घर में देखने के लिए नहीं आए। बिल्डर हरीश छेड़ा लोगों के इस आरोप को नकारते हैं और उनके मुताबिक सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि उस वहाँ के रहने वाले मेजॉरिटी लोगों ने हमको कंसेंट दिए, कंसेंट देने के बाद हम एसआरए में उसका आगे काम बढ़ा रहे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अभी अपात्र हुआ है या अनिर्णित है, उनका भी पेपर्स लेके हम पात्र कराने का प्रयास करेंगे। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इन एलिजिबल होने के बावजूद भी रूम चाहिए, किसका एक रूम होता है तो दो चाहिए, तो वहाँ तो हम उनकी मदद नहीं कर सकते। जो सरकारी कायदे से जो काम हो सकेगा हम उनका फॉलोअप करके मदद करा सकेंगे, उनके पेपर में कुछ मदद करनी होगी तो वो कर सकते हैं। परंतु अगर समझो कायदे में नहीं बैठेगा उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उनका कुछ भी शिकायत ऐसी होगी तो उसका जो प्रॉपर वो है एसआरए में जाके उनको बताना पड़ेगा, जिन लोगों ने कंसेंट दिया वो कंसेंट विड्रॉ करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि वहाँ के हम लैंडलॉर्ड हैं, हमने तो वहाँ पे डेवलपमेंट परमिशन लेके और बिल्डिंग बनाई है। मेजॉरिटी लोग हमसे खुश हैं और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक बार बिल्डिंग बनने के बाद जो लोग असंतुष्ट हैं वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। जनता की मांग है कि इन सभी शिकायतों पर तुरंत ध्यान दिए जाने की जरूरत है ताकि उन्हें उनके सपनों का आशियाना सही मायने में मिल सके। अब इस पर बिल्डर हरीश छेड़ा जो कि खुद एक जनप्रतिनिधि और बीजेपी नगर सेवक भी हैं, क्या कदम उठाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ स्टॉक लाइव के लिए सदाब सैयद की रिपोर्ट।